बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैरे से होंगे। अल्लाह पाक आपको हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से दूर रखे, आमीन सुमा आमीन। तो जी, आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ और आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मैं मक्का से मीना तक का सफ़र। और मम्मी ने अल्हम्दुलिल्लाह मम्मी का हज जो है ना वो मुकम्मल हो चुका है और वो कुछ टाइम के बाद हमारे पास वापस आने वाली हैं। तो ये वीडियो उन्होंने मुझे थोड़े लेट भेजी थी और फिर मैं उसको एडिटिंग करने में लेट हो गई थी। और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। और आगे वीडियो प्लीज़ आप लोग बड़े ही ध्यान से देखिएगा, बिकॉज मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की है। जो भी आवाज़ है आप लोगों को वहाँ से मिलेगी, और जो वो लोग आप लोगों को बता रहे हैं प्लीज़ उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें मुकम्मल मुकद्दस चीज़ें हमें ना बहुत कम से सुनने को मिलती हैं। और उन उधर के लोगों से सुनने को जब हमें वो चीज़ें मिलेंगी जो वहाँ की है, हर जगह की जो चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो आप बहुत सी, मतलब मैं बता नहीं सकती आप लोगों को कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ को खो देंगे। तो प्लीज़ आप लोगों के लिए ही बहुत अच्छी चीज़ है कि आप लोगों को मैं वहाँ की लोगों से हर चीज़ डिटेल में बताएं। तो मम्मी ने क्या है ना पूरी आवाज़ बहुत अच्छे से रखी है और थोड़ी बहुत आवाज़ ख़राब हो गई है तो उसको माइंड कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों को सुनना है तो प्लीज़ आप लोगों को उसको ध्यान से सुनना पड़ेगा। हर जगह कहाँ जा रही हैं, क्या दिख रहा है, कहाँ का है, कहाँ क्या हुआ था, हर चीज़। जब हम इन चीज़ों को बहुत ध्यान से और बिल्कुल फीलिंग्स से देखते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि हम वहाँ पर पहुँच जाएँ और हमारी जो रूह है ना वो एकदम से खींचने लगती है कि हमें वहाँ पर पहुँचना चाहिए, हमें भी अपनी आँखों से ये मंज़र देखने चाहिए। तो बस अभी स्टार्ट करते हैं, मैं करती हूँ और ये नज़ारा ना बहुत ही प्यारा नज़ारा लग रहा था जब मम्मी कबूतरों को जो है ना वो दाना खिला रही थी। और यहाँ पर सभी लोग कबूतरों को दाना खिला रहे थे और बिल्ली हैं, कबूतर आप लोगों को पता है कि हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारे हैं। तो अभी वीडियो आगे स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ये काम ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को हिट कर दीजिए, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ फिर से बोलती हूँ ध्यान से सुनिएगा और वीडियो फुल देखिएगा। हिंदुस्तान हिंदुस्तान मस्जिद सजा, यही एक पेड़ आया था जो चलकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलमा पढ़ा था और वो क्या तभी उन्होंने कहा था अपनी जगह पर चले जाइए। जिन्नुम गए तो उन्होंने वहाँ बताया जाके कि हमने आज ऐसा कलाम सुना है, तुम लोग भी उसको पढ़ो, फिर वो भी ईमान लिया है। अच्छा, वो भी आए होंगे वहाँ पर? वो आए नहीं, वहीं फिर उसने अपना दर्द दिया, जो जो यहाँ आए थे उन्होंने बयान करें, उन्होंने दर्द दिया जाके अपने जिन्नों, फिर वो मुसलमान हो गए। तो इसलिए मुसलमान जिन मुसलमान भी हैं और काफिर भी हैं, दोनों दोनों जो ईमान लिया है वो मुसलमान हो गए, नहीं काफिर है।
बस और नहीं मिल सकती कोई पहचान आपको। तो अभी ये रास्ता जो आप लोग देख रहे हैं वो गारा शौद का रास्ता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश हो रहा था, आवाज़ इतनी ज़्यादा बेकार हो रही थी ना कि पापा ने रिकॉर्डिंग तो की थी लेकिन मैं उसको रख नहीं सकती थी क्योंकि रश की वजह से लोगों को आप भीड़ देख ही सकते हैं और उन लोगों की जब आवाज़ आएगी तो जाहिर सी बात है आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आएगा। और इसकी डिटेल्स आप लोगों को अभी आगे फुल बयां की जाएगी क्योंकि सफ़र जारी है और सफ़र जब जारी रहता है वहाँ पर तो जानकारियाँ वो देते चले जाते हैं, हर चीज़ आप लोग देखते जाएं और बातें उनकी सुनते जाइए। तो जैसा जैसा मेरी वीडियो में है ऐसा उन लोगों को वहाँ पर ट्रीट किया जाता है, मतलब वो बस में बैठे रहते हैं और बस चलती रहती है तो बस अपनी सारी बातें वो बताते जाते हैं और जहाँ जहाँ जगह जगह निकलते जाते हैं, जहाँ रुकने की जगह है वहाँ पर रुकते हैं। अब ज़्यादातर नहीं रुका जाता है क्योंकि रश हो जाता है और फिर टाइम की भी कमी हो जाती है, हर चीज़ एक मैनेज के हिसाब से चल रहा है। अगर इसको मैनेज के हिसाब से ना चलाएं तो फिर चीज़ें बिगड़ जाती हैं और फिर जब भीड़ इतनी ज़्यादा हो तो उसको मैनेज करके चलना ही बहुत अच्छी बात है। और अभी इस वक्त सभी लोग आप देख ही सकते हैं कहाँ कहाँ से देख रहे हैं और इसकी ऊँचाई बहुत ज़्यादा है गाइस, बहुत ज़्यादा ऊँचा है ये, मैं मतलब 135 ऐसी कुछ फिट है, मुझे इसकी डिटेल्स नहीं पता, मैंने देखा था बट मेरे माइंड से निकल गया तो सॉरी। और यहाँ पर ना मम्मी नहीं गई थी क्योंकि आप लोगों को पता है उनको सांस की प्रॉब्लम है और इसकी ऊंचाई आप देख ही सकते हैं कि ऊपर से पापा देख रहे हैं तो नीचे जो बिल्डिंग्स हैं वो कितनी छोटी छोटी सी दिख रही हैं तो जाहिर सी बात है ये कितना ऊंचा होगा, और इसीलिए मम्मी नहीं गई थी। और मम्मी जो है ना वो घर होटल में बैठ के आराम से अपनी तिलावत कर रही थी, वो हरम शरीफ हो आई थी और उमरा भी कर लिया था उन्होंने, वो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया है। और जिसने भी मदीने की और मक्के की नेक्स्ट वीडियो नहीं फर्स्ट वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ वो लोग देख लें और बताइए कमेंट्स में वीडियो कैसी लग रही है आप लोगों को। और मुझे इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा है ना ये वीडियो देखने के। वालों ने जब जोर डालने शुरू कर दिए तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि मदीना की तरफ आप हिजरत कर जाइए। तो जब हुक्म हुआ तो मदीना की तरफ हिजरत करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे दोस्त जो के सहाबी भी थे हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के साथ मदीना हिजरत करने का मंसूबा बनाया। ठीक है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करने के लिए निकल जाते हैं, जब इस गार के मुकाम के पास पहुंचते हैं हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के साथ, तो देखते हैं कि इस गार की ऊंचाई बहुत है हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु, और देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हालत नहीं है कि वो ऊपर चढ़ सके। तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु बोलते हैं कि ऐ नबी, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो है मेरे कंधों के ऊपर चढ़ जाइए ताकि मैं आपको यहाँ से लेकर ऊपर चढ़ जाऊँ गार के ऊपर। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों के ऊपर बिठा लेते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु अपने कंधे के ऊपर बिठाकर गार के ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। जब ऊपर गार के ऊपर पहुंचते हैं तो गार का जायजा लेने के लिए हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु सबसे पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलते हैं कि आप बाहर रुकिए, हम गार का जाके जायजा लेते हैं ताकि अगर कोई अंदर नुकसान दे चीज हो तो पहले मुझे तकलीफ दे, मुझे नुकसान दे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ ना हो। अंदर जाके जब गार का जायजा लेते हैं तो गार के अंदर 70 सुराख होते हैं, कितने सुराख होते हैं 70 सुराख। तो आज रजी अल्लाह अन्हु के पास एक साफा होता है या कमीज जो भी है इसका पता नहीं है, साफा या कमीज लेके वो फाड़ते हैं, 70 सुराखों को बंद करते हैं, आखिर में जो होता है एक सुराख रह जाता है, एक जो सुराख होता है वो रह जाता है, उसके आगे अपने पाँव के एड़ी रख कर बोलते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गार के अंदर तशरीफ ले आई और आराम फरमाई। गार के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आते हैं और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के टांग के ऊपर सर रख कर आराम फरमाने लगते हैं। तो कुछ ही देर के अंदर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की टांग के ऊपर कोई चीज
यहाँ पर 70 अंबिया ने सलाम से नमाज अदा की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी कुछ ही देर में हम ब्रिज के ऊपर चढ़ेंगे, आपको बाई जाने आपको चार मीनारों वाली एक मस्जिद दिखाई देगी, मस्जिद खैर, जहाँ पर 70 अंबिया ने सलाम ने नमाज अदा की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज के दिनों में इंशाल्लाह अभी कुछ ही देर में आगे जाके आपको बाएं जाने की मस्जिद नजर आएगी, चार मीनारों वाली मस्जिद, जिसका नाम है मस्जिद है, इसके अंदर है सुरमा अस्मत मरहमा। यहाँ का मशहूर सुरमा अस्मत हरके गुलाब और जमजम के पानी से बना हुआ है, आंखों के लिए बहुत ही मुफीद है ये सुरमा, और इंडिया, भारत, बांग्लादेश में बहुत है। उसके अलावा हमारे पास है अदर अमीर, आप आके इंशाल्लाह हज के मौका पर शैतान को अपने अपने हिस्से की फिक्रियां मारेंगे। और ये पहले जो आएगा वो बड़ा होगा, वो जब आप अंदर जाएंगे आज के मौके पर वो आपको बताएंगे, बोर्ड लगे होंगे। और ये दाएं और बाएं जाने का आप वादी मीना का खूबसूरत तरीन मंदिर देख सकते हैं। यहाँ पर हर साल हाजी इकट्ठे होते हैं एक रब की इबादत के लिए, एक खालिक की इबादत के लिए, और यहाँ पर अमीर गरीब रईस एक जैसा होता है। और ये कैमरे जो है वायर ब्रिगेड है, ना पानी जाते हैं इसके अंदर, ना आग लगती है इनको, और ये दुनिया की पहली कंस्ट्रक्शन पर ध्यान नहीं दिया जाता। यही जो आपको पहाड़ के साथ साथ एक बाउंड्री दिखाई दे रही है, यही है नहर ज़ुबैदा। अभी आप देख सकते हैं बीच बीच में से नहर जो है टूट गई है, जिसकी क्योंकि इसकी कंस्ट्रक्शन पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन आज से 30 से 40 साल पहले इस नहर के अंदर पानी था, लेकिन अभी जो है हाजी क्योंकि पानी की कोई कमी नहीं है यहाँ पर, अलग गर्म है, हाजी जो है जितना पानी पीना चाहे पी सकते हैं, यहाँ से ज्यादा गिरती है। अभी ये जो नहर है ये इधर से गई थी, ये सीधे जल ऊपर से आई और और के मन से वहाँ तक उधर गई ना, और बहुत बढ़िया वो नहर, बीच बीच सब टूट गई नहर, ये सब देख कितनी बड़ी नहर सब तोड़ दी, टूट गई, बीच बीच में जा नहीं रहा उसने, गवर्नमेंट पानी और कमी नहीं है, सुर्ख टाइल वाला लाल रास्ता, ये वो रास्ता है जहाँ से हाजी साहबान, जो तमाम हाजी साहबान चढ़कर जाते हैं मीना, मुज़दलिफा, अरफात, इन तीन जगहों पे जो हाजी चढ़ के पैदल सफर करते हैं वो इन्हीं रास्तों से जाते हैं। इन रास्तों के अंदर जो है पानी का प्रेशर सिस्टम लगाया गया है हल्का सा फुहारे वाला, ताकि जो हाजी है जो सफर करके मीना से मुज़दलिफा, अरफात जाए उनके लिए आसानी रहे। ये दाएं जाने पर आप देख सकते हैं कि चार रास्ते टोटल, एक रास्ता यही है, आगे जाके आपको बाकी के तीन रास्ते भी दिखाई देंगे। आपकी दाएं जाने कौन सा पड़ता है आपके लिए फायदेमंद आज के दिनों में, चूंकि बीबी अब्बा हमारी आपकी माँ की पहली बार मुलाकात हुई, बीबी अब्बा को जद्दा में अल्लाह ताला ने जन्नत से उतारा, और आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका में, वहाँ से चलकर ये लोग आए यहाँ मुलाकात हुई, ये इसका नाम जबल रहमत रखा गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के नाम में कुर्बान करने के लिए लेकर आए,
और अल्लाह ताला को उनकी ये कुर्बानी करने की, अल्लाह से मोहब्बत करने की अदा इतनी पसंद आए कि हजरत इब्राहिम अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब छुरी चलाने लगे, छुरी को हुक्म दिया कि छुरी नहीं चले, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जल्दी से जाकर एक मेंढा दुम्बा जिसको बोलते हैं छुरी के नीचे रख दे, फिर छुरी को हुक्म हुआ कि छुरी चल जाए। जैसे छुरी चली, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वक्फिना दिखी कहते हैं वक्फिना, ये जो आपको बाएं जानिब जगह नजर आ रही है ये एक गुंबद सा नजर आ रहा होगा छोटा सा, जिसके अंदर थोड़ी सी जगह है रखने के लिए, यही मकाम है इस्माइल भाई साहबान, ये जो आपको गुंबद सा नजर आ रहा है वो, अरे ये तो पर इसमें आ नहीं रहा ना, इसमें नहीं आ रहा ना जी। हाजी साहिबान मैं अभी आगे आगे बाजे आते रहेगा वीडियो बना। हाजी साहिबान मैं बता रहा था कि जब फिर मेंढा जब रख दिया गया, अल्लाह ताला ने एक छोटे से परिंदे के जरिए जिसका नाम अबाबील है उसके मुंह में एक छोटा सा पत्थर रख के जिस काफिर को मार के उसके ऊपर उसका नाम लिखा होता था और वो ऐसे बन जाता था जैसे खाया हुआ भूसा हो। अभी कुछ ही देर में आगे जाके हमें स्टेशन जैसे ये गुजरेगा आपको दाएं जाने में खाली इलाका नजर आएगा, ये वादी मक्का का इलाका जहाँ पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ था, यहाँ से हुक्म है कि अस्तगफार करते हुए गुजर जाइए तेजी के साथ। तमाम हाजी साहिबान से गुजारिश है कि अस्तगफार का वीर जारी रखिए, अभी जैसे ये स्टेशन गुजरेगा थोड़ी देर के अंदर हम वो वाले इलाके से आ, ये खेमे जो लगे क्या है जी, ये खेमे ये न्यू मीना के खेमे हैं, अभी आगे जाके पुरानी मीना आएगी, अभी मुस्तफा खत्म नहीं है, इसमें ठहरना है नहीं, हम लोगों को चलना है, इसमें ठहरना है नहीं, हाँ इसमें बाद में आप ठहरेंगे ना जब आएंगे, अभी मुस्तफा चल रहा है। साहिबान से गुजारिश है कि अस्तगफार का वीर जारी रखिए, अस्तगफुरुल्लाह पढ़ते रहिए, क्योंकि इस मुकाम से जहाँ पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ होता है वहाँ से तेजी के साथ गुजर जाते हैं अस्तगफुरुल्लाह पढ़ते हुए। तमाम हाजी साहिबान से गुजारिश है कि अस्तगफुरुल्लाह पढ़ते रहिए। इसी गार के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही जो है नाजिल हुई थी, और इसी गार के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई कई दिन तक क़याम किया करते थे, इबादत किया करते थे, और ये इसी गार के ये दाएं जानिब आपको ये जो बड़ी पहाड़ी में नजर आ 5,800 फीट गारे हिरा जबल नूर इस पहाड़ का नाम है, और गारे हिरा इसके ऊपर वाक़ है, गारे हिरा इसके ऊपर है जबल नूर पहाड़ का नाम। तो हाजी साहिबान ये वो पहाड़ है जबल नूर जिसके ऊपर गारे हिरा वाक़ है, और यहीं पर आप इस कार के ऊपर जो हाजी साहिबान जाना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट टाइमिंग यही है, इसके अंदर गाड़ी ले जाती है, आधा रास्ता गाड़ी कवर कर जाती है, और बाकी का रास्ता जो है आपको आधा रास्ता चल के जाना पड़ता है, 3 से 4 घंटे ऊपर आने जाने में। और ये है मीना का मंज़र, माशाल्लाह माशाल्लाह, यहाँ पर सब लोग फजर के टाइम यहाँ पर आ जाते हैं। और ये खैमे के तरीके से बनाए गए हैं, जो पहले ज़माने में खैमे हुआ करते थे कपड़ों के, उसी तरीके से बनाए गए हैं, लेकिन अंदर पूरी आप लोगों को फैसिलिटी मिलती है हर चीज़ की। और देखिए कितने खूबसूरत और कितने शानदार और कितने सारे बने हुए हैं, आप लोग देख ही सकते हैं हर चीज़। तो जी ये है सफा मरवा की पहाड़ी, बहुत ही मुकद्दस पहाड़ी है ये। और यहाँ पर बैठकर हर चीज़ डिटेल्स में बता रहे हैं आप लोगों को, और ध्यान से आप लोग भी देखिएगा इसकी सन, देखिएगा कि ये कितने
सन में कैसा था और फिर इसका इम्प्रूवमेंट होता गया, कब से कब कैसा बदलता गया, जब हमारे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसको बनवाया था, उसके बाद फिर से इसको बनवाया गया तो इसकी जगह जो है ना वो बढ़ाते चले गए और आज ये देखिए कितनी बड़ी जगह में है। और तादाद भी आदमियों की इतनी ज़्यादा होती है, हज के टाइम इतना रश होता है और हर चीज़ यहाँ पर मतलब सबको समझाई जा रही है। ये देखिए कितना छोटा सा जब सबसे पहले बना हुआ था, फिर उसके बाद तो थोड़ा ये बड़ा हुआ और उसके आसपास आप देख ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा आबादी नहीं है, मतलब आबादी नहीं थी। और फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाया गया, फिर इसका साइज भी चेंज होता गया। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों ने ध्यान से हर चीज़ देखी होगी, समझी होगी, तो आप लोगों को जाहिर सी बात है सब कुछ समझ में आ गया होगा। और कमेंट्स में बताइएगा। इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं एंड करती हूँ। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और भी मैं आप लोगों को आगे की वीडियो दिखाऊँगी। अभी मम्मी आने वाली हूँ कुछ टाइम बाद, तो आप लोगों के साथ मैं हर चीज़ में और शेयर करूँगी अगर उन्होंने बनाई होगी, और नहीं बनाई होगी तो उसके लिए माफ़ी है। और बस दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मस्जिद आयशा।